की शुरुआत जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो होती है करंट, कंडक्शन करंट से हैं और डिस्प्लेसमेंट करंट से। अब तुमने कैपेसिटर चार्ज में डाला है, कभी सोचा है कैपेसिटर के बीच में तो कुछ होता नहीं है, कोई वायर तो होती नहीं है, हाँ या ना? ऐसे भी तो कैपेसिटर होते हैं जो एयर कोर कैपेसिटर होते हैं। एयर कोर का मतलब क्या हुआ? एयर कोर का मतलब बीच में एयर, हाँ या ना? तो ये कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो ये बीच में करंट कैसे जा रहा है, कभी सोचा है? बीच में तो चार्ज जाना ही नहीं चाहिए, वायर तो है नहीं। तो क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको अल्टीमेटली क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटिव सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा, इधर ये हमने कैपेसिटिव सर्किट बना दिया, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक, ये सेल है, सही है। अब देखिए यहाँ तो वायर है तो इनमें तो करंट जाएगा, इस करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। जो कंडक्टिंग वायर में करंट होता है उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट कहते हैं, ठीक। आगे बात समझ में? ओके। और कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या होता है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए फिलहाल इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है, कितनी चार्ज है? क्यू चार्ज है। अब फर्दर ये यहां से डी क्यू चार्ज ले रहा है, तो इस प्लेट पे चार्ज यहां अपीयर होगा डी क्यू, समझ रहे हैं? तो इंडक्शन से इस प्लेट पे कितना चार्ज अपीयर होगा? माइनस डी क्यू। और ये वाला प्लेट तब अपनी तरफ से प्लस डी क्यू यहां छोड़ देगा उस माइनस डी क्यू को बैलेंस करने के लिए, सही है ना भाई? नेट चार्ज माइनस डी क्यू अपीयर होने के लिए प्लस डी क्यू रिलीज करेगा ना सर्किट में। तो आपको क्या लगेगा बताइए, अपेरेंटली ये क्या लगेगा हमें कि डी क्यू चार्ज ने सर्कुलेट किया, लेकिन एक्चुअली होता ये नहीं है। यहाँ डी क्यू चार्ज आके पॉजिटिव प्लेट पे अपीयर होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट पे इंड्यूस होता है और उतना पॉजिटिव चार्ज वो सर्किट में छोड़ देता है। तो यहाँ पे एक करंट फ्लो की अनुभूति होती है, अपेरेंट फ्लो होता है, एक्चुअल करंट फ्लो नहीं होता। तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो अपेरेंट करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं? जहाँ कंडक्शन करंट होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वहाँ कंडक्शन करंट नहीं होगा। अलग अलग देखने पे दोनों क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों मिलके सर्किट को क्या प्रोवाइड करते हैं? कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू दोनों का क्या होगा बताइए? अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक। अब आइए इसको प्रूव करते हैं ना, प्रूव करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। ये बताइए जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखा है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जगह ई इंटू ए लिख सकते हैं? फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंटू एरिया ऑफ प्लेट, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया, लिख सकते हैं कि नहीं? फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट का फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने? ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक। इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा इंटू ए मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया का मतलब होता है चार्ज। सिग्मा इंटू ए का मतलब कितना हो गया? चार्ज हो गया ना, एप्सिलॉन नॉट कट गया ना, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटा। डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकती हैं आप बताइए? कंडक्शन करंट। ये कॉलम पढ़ा दिया, पढ़िए। कंडक्शन करंट अराइजेज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कनेक्टिंग वायर ऑफ अ सर्किट इन अ गिवन क्लोज्ड पाथ। ये डेफिनेशन हो गई कंडक्शन करंट की, सही है? व्हेन अ कैपेसिटर गेट्स कनेक्टेड टू अ सेल इट स्टार्ट स्टोरिंग द चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टोरेज देयर इज कंडक्शन करंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? व्हेन द कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड बोथ करंट्स विल बिकम जीरो। क्यों? देखिए जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो क्या होता है? तब ये होता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो सोर्स है उसके वोल्टेज के बराबर हो जाता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा, वीसी की जो वैल्यू होगी वो सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। तो ये बताइए अगर यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज इक्वल हो गया तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कंडक्शन करंट की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है।
और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किस लिए ज़ीरो हो गई? क्योंकि भैया फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अरे जब चार्ज ही नहीं बढ़ रहा, जब चार्ज नहीं बढ़ रहा, जब क्यू कांस्टेंट हो गया कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, तो सिग्मा भी कांस्टेंट हो गया। सिग्मा कांस्टेंट हो गया तो ई भी कांस्टेंट हो गया। ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है ना। अगर ई कांस्टेंट हो गया तो बताइए फ्लक्स कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो कंडक्शन करंट भी ज़ीरो हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या हो जाते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं। कंडक्शन करंट का फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रहेगा। सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़िए। कंडक्शन करंट एग्जिस्ट इवन इफ देर इज अ फ्लो चार्ज ऑफ फ्लो एट यूनिफॉर्म रेट। अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में तो करंट वेरी कर रहा था, चार्ज बदल रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट आया। बट कंडक्शन करंट वहाँ भी होता है जहाँ पे चार्ज का फ्लो स्टेडी होता है। मान लीजिए कैपेसिटर नहीं हो, खाली रजिस्टर हो, वहाँ तो करंट कांस्टेंट होता है, वहाँ भी कंडक्शन करंट होगा। तो अपने आप में कंडक्शन करंट कॉन्टिन्यूस होता है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। हाँ, सर्किट विथ कैपेसिटर रहेगा तो क्या होगा? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों डिसकंटिन्यूस होंगे और दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूटी। रजिस्टर का केस रहेगा तो वहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, वहाँ शुरू से लेकर अंत तक कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? कंडक्शन करंट ही फ्लो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होता है, बता दिया आपको, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं, डी फाई बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन देयर इज अ स्टेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द रीजन द डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो। स्टेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फ्लक्स कॉन्स्टेंट, फाई की वैल्यू क्या होगी? कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। आई सी एंड आई डी इन कैपेसिटिव सर्किट आर themselves discontinuous, क्योंकि कहीं कैपेसिटिव, कहीं कंडक्शन करंट जीरो है और कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। कंडक्शन करंट कहाँ जीरो है? जहाँ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कैपेसिटर के बीच में। और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ जीरो है? बाकी जगह पे जहाँ कंडक्शन करंट है। themselves discontinuous but together they provide continuity to the circuit। हो गए सारे पॉइंट्स? चलिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आइए एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस पे बेस्ड है? वो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन नॉट हैव अ सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और अ सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, राइट। तो इनकी को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए चार इक्वेशंस ऐसे हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उनको एक साथ क्लब करके बोलते हैं मैक्सवेल, ये नहीं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, हम उनको मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। हाँ बोलो, हाँ पूछो ना। यहाँ पर पहले आपने ये बताया था कि ये क्यू है, फिर आपने इसको डी क्यू क्यों लिया? क्यू ऑलरेडी वहाँ है और डी क्यू और जमा हुआ जाके, तो इस पे नेट चार्ज अब बन गया क्यू प्लस डी क्यू। डी क्यू फर्दर आया है इस पे, अब इस पे टोटल चार्ज, अगर टोटल लिखती हो तो क्यू एग्जैक्टली, जितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव जमा होता जाएगा उतना चार्ज यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, और जितना नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। ये कहानी हो रही है, और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो इनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस के जो चार इक्वेशंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कोई नई चीज आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चार सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस कौन कौन से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है ये इक्वेशन, इसको हम एम्पेयर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। पहले आपने ये पढ़ा था, याद करो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी जो आप पढ़ रही हैं वो अकेला मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, वो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ है जिसको एम्पेयर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। याद है आपने एक चीज़ पढ़ी थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, और इसका नाम आपने पढ़ा था एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक सही है? तो एम्पेयर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वही है एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। क्यों करना पड़ा मॉडिफाई? क्योंकि पहले हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानकारी नहीं थी, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ गया। तो जहां केवल हम म्यू नॉट इनटू आई लिखते थे, म्यू नॉट इनटू, अब वहां म्यू नॉट इनटू आई प्लस आईडी भी लिखेंगे। देखिए आईडी का फॉर्मूला आ गया ना, ये म्यू छपा नहीं है, मैं ठीक कर दे रहा हूं इसको। बोलिए समझ में आ गया? ये है आपका पहला मैक्सवेल इक्वेशन। हम चार मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे, इन चारों के सेट को हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो मेन हेडिंग जो होगा मेरा वो मैक्सवेल इक्वेशंस होगा। हार्दिक पास बैठ जाओ, मैक्सवेल इक्वेशंस। बोलिए समझ में आया? इसमें पहला है एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, जो पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ हुआ करता था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है? इसको हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। समझ में आई बात? सोने नहीं गया है ना, बहुत दुष्ट। ठीक, अब दूसरा जो लॉ है, ठीक है, द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी अलॉन्ग एनी क्लोज पाथ ऑल्दो इंडिविजुअली दे मे नॉट बी कंटिन्यूस। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको, इंडिविजुअली कंटिन्यूस नहीं भी हो सकते हैं। लाइक कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि यार ये मेरा एक कैपेसिटर का प्लेट है, ये भी एक कैपेसिटर का प्लेट है मेरा, सुन रहे हैं आप? प्लेट सर्कुलर बना हुआ है, इनकी रेडियस आर है, ठीक। ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये इस प्लेट का एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है यहाँ से दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज़ आर, वेरी वेरी स्मॉल, करेक्ट? समझ आ रही है बात? और आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर। अगर फाइनाइट वायर भी है और उसके बहुत सामने पॉइंट ले लेंगे, बहुत क्लोज ले लेंगे, तो इट विल बिहेव लाइक इन्फाइनाइट वायर फॉर इट। सही है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको म्यू नॉट इन टू आई बाई टू पाई स्मॉल आर करके वैल्यू लिख देनी है, और यहाँ आई की जगह आई डी डाल देना आपको। अरे कुछ नहीं है तो आई डी तो है ही यहाँ पर ना। आप क्यों सोच रहे हैं करंट इतना ही है? करंट तो पूरे वायर में है। जहाँ IC है वो भी ID के बराबर है, जहाँ ID है वो भी IC के बराबर है। तो नेट नेट आप म्यू नॉट इन टू आई डी बाई टू पाई आर वहाँ फील्ड लिख सकती हैं। तो वही कह रहा है कि लाइक मैग्नेटिक जो कंडक्शन करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म हो सकता है। सेकंड जो इक्वेशन है मैक्सवेल का वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? गॉस लॉ क्या कहता है, ये देखिए, ये जो स्क्वायर छप गया है ना, स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, सर्किल होना चाहिए था। तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो आपको बोलेगा राइट फोर सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। तो ये चारों इक्वेशंस आप लिख, खाली इक्वेशन लिख देना बस, और कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है? और मैक्सवेल इक्वेशन क्या दिखलाता है बताइए, क्या दिखलाता है मैक्सवेल इक्वेशन? इट शोज व्हाट, को एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इक्वेशन है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तीसरा इक्वेशन है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये एम्पेयर मैक्सवेल लॉ यहाँ शुरू करने के बाद यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशंस लिखना शुरू किया, ठीक है? ठीक है, तो ये नंबर वन दोबारा से इसने गॉस लॉ लिखा है। सेकंड लॉ इसने कौन सा लिखा है बताइए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जीरो क्यों होता है? बिकॉज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ भी लिखोगी तो नेट पोल इनक्लोज्ड लिखोगी ना आप, नेट पोल इनक्लोज्ड हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। मोनोपोल तो होता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल काट देगा हमेशा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता बताइए? यहाँ लिखते पोल स्ट्रेंथ और एप्सिलॉन नॉट से जो डिवाइड करते हैं ना, जैसे मेन गॉस लॉ में आप क्या लिखते हैं बताइए? मेन गॉस लॉ में आप लिखते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तब यहाँ क्यू का रेप्लिका कौन हो जाएगा, एनालॉगस कौन हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ।
और एप्सिलॉन नॉट का रेप्लिका कौन हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट। तो ये लिखते हैं आप, बट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सो दिस विल बिकम व्हाट, जीरो, एज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, एज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड इक्वेशन हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, थर्ड इक्वेशन हो गया ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये है आपका ये है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, सही है, माइनस। और ये जो राइट हैंड साइड में आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है आप इसको कह सकती हैं फ्लक्स, आई मीन टू से दिस क्वांटिटी विच इज रिटन इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स, बोली सही है। तो डी फाइव बाई डी टी पढ़ा कि नहीं इंड्यूस्ड। तो तीसरा जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हो गया आपका मैक्सवेल सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। चौथा हो गया वही जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ आप कर रहे थे, जो एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके बना है, बोली समझ में आया। अब आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या कहता है गॉस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ, द आइसोलेटेड चार्ज डज एग्जिस्ट लाइक एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। चार्ज एग्जिस्ट करता है आइसोलेटेड, पॉजिटिव या नेगेटिव, मोनोपोल नहीं करता है, पोल्स नहीं एग्जिस्ट करते। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लीविंग अ क्लोज सर्फेस इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरिंग द सेम क्लोज सर्फेस, क्योंकि नेट नेट फ्लक्स जीरो होगा क्लोज सर्फेस से। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज पाथ बनाते हैं, ठीक, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, समझ में आ गई बात। तीसरा लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। दिस लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये किसके बीच का रिलेशन देता है, टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये कहता है द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर खाली मैक्सवेल इक्वेशन लिखने बोले तो खाली इसको लिखिएगा और जो इक्वेशंस जो लॉ को ये दिखलाते हैं उन लॉज का नाम लिखिएगा, बोली समझ में आ रहा है। तो ये जो लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं उन लॉज का नाम लिखना है और इक्वेशन लिखना है, बोली चारों मैक्सवेल इक्वेशन क्लियर हैं। बताइए चार मैक्सवेल इक्वेशन कौन कौन से हैं, एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ईएम वेव जो होते हैं दैट आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक, इन विच देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज टू फील्ड्स एग्जिस्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। पहले तो मैं समझा दूं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के अंदर साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो साइनोसॉइडली वेरी करता है। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहा हूं, एक ही साइकिल बनाना चाहिए था, खामखा दो साइकिल में नहीं जाना है। चलिए ठीक, अब ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनका वाइब्रेशन मान लीजिए वाई की तरफ हो रहा है, ठीक, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, that
डायग्राम इज बीइंग शोन हियर, तो अंडर दैट कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करेगा वो जेड डायरेक्शन की तरफ करेगा। बोले समझ में आ रहा है? हालांकि मैग्नेटिक फील्ड का सारा कार्यक्रम जो होगा, कार्यक्रम से मेरा तात्पर्य यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होगा, ठीक। बस उसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किधर हो जाएगी बताइए? जेड एक्सिस की तरफ। थोड़ा समय दे, डायग्राम ढंग से बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। ये देखिए, नींद आ रही है। देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है नीला वाला, इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? इसका इक्वेशन दिखेगा B इक्वल टू साइनोसॉइडली वेरिंग है B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव। K को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्बडा, लैम्बडा इज द वेव लेंथ, समझते हो? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सब कुछ सेम, ठीक। और ओमेगा तो सेम ही है। अब इसमें मैं टर्म्स का नाम लिख दूं, क्योंकि आपका वेव बिल्कुल नील होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। जब अरिथमेटिक नहीं है कुछ नहीं तो वेव कहां से होगा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, ओमेगा का नाम क्या होता है बताइए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है लिख दिया है यहाँ पे। के का मतलब होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, सही है। और कुछ बच गया इधर बताने के लिए? एक चीज बच गई, हमारा जो ईएम वेव है वो किधर जा रहा है? वो जा रहा है एक्स की तरफ, ठीक। किसी और को भेज दिया किसी का मैसेज। हाँ जी, ये है हमारा सी। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स। सभी ईएम वेव्स की वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती। अभी समझ में आ रहा है इतना? अरे बोलो। अब आपको एक विशेष बात बता दें, और वो ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ सी होगा वो होगा अलोंग ई क्रॉस बी, उल्टा ना लिख दीजिएगा, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। ई किधर है बताइए? वाई। बी किधर बताइए? जेड। ई क्रॉस बी करिए, किधर जाएगा? एक्स की तरफ जाएगा। बोली समझ में आया? तो अगर आपको कोई लिखने बोले कि सी का यूनिट वेक्टर लिख दो, तो आप ई क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर लिख दो। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बताइए? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? चलिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। बताइए सबसे पहले कंडक्शन करंट मतलब, हिंदी में बताइए, ऐसे ही समझाइए खाली बस, जो करंट किसके वजह से फ्लो करता है? वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के वजह से फ्लो करता है, उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। बताइए कंडक्शन करंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है? सर्किट में नहीं होगा, और रेजिस्टिव सर्किट में हो सकता है। दूसरा, आपने करंट कौन सा पढ़ा कैपेसिटिव सर्किट में? डिस्प्लेसमेंट करंट। कहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? प्लेट के बीच में होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट कैपेसिटिव सर्किट में कंटिन्यूस होते हैं कि डिसकंटिन्यूस होते हैं? मिल के दोनों कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, ठीक है। डिसकंटिन्यूस होंगे, बिल्कुल सही बात है। चल
मैक्सवेल इक्वेशन का काम क्या है बताइए, व्हाट डज मैक्सवेल इक्वेशन सिग्निफाई? दे डिस्क्राइब को एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. व्हाट आर द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस? व्हाट इज दैट इक्वेशन? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी. आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. व्हाट इज द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन? ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज द थर्ड वन? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट इज बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो. एंड फोर्थ इज वॉट? एम्पेयर सर्किटल लॉ, सॉरी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड दैट इज वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. फाई को हम बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं. याद रहेगा फाई का मतलब बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है ना. चलिए अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं बताइए. टाइम वेरिंग, साइनोसॉइडल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. और सी वेक्टर की डायरेक्शन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है. ठीक है, समझ में आ गई बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स विच आर देयर इन साइनोसॉइडल वेरिएशन, इन विच देर आर साइनोसॉइडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दीज टू फील्ड एग्जिस्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. बता दिया आपको. बोथ फील्ड वेरी विथ टाइम एंड स्पेस एंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन. दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेरिएशन क्या होता है बताइए. और दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं, पोजीशन के साथ वेरी करते हैं. ठीक है, दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो. ये वैक्यूम से भी गुजर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस या वैक्यूम इज गिवन बाई 1 बाई म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन. याद रखिएगा म्यू नॉट का मतलब क्या होता है बताइए. व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अभी दिवाली के आसपास ना 12-15 दिन की लंबी छुट्टी मिलेगी, उसमें सब कुछ करके रखना पिछला वाला तुम स्पेशली. ठीक है, ये लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस और अपना नोट्स अपडेट, तुम अपने पीछे का सारा काम करके रखना. एक भी क्लास नहीं लगाऊंगा उसमें, एक भी क्लास नहीं लगाऊंगा. ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22 और 23 अप टू 8th November. शुद्ध 15 दिन की छुट्टी दूंगा एकदम कंप्लीट ऑफ, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करके रखना. ठीक, लेकिन उससे पहले हो सकता है मैं सिलेबस ख़त्म करके जाऊं. आज क्या डेट है? बिल्कुल पॉसिबल है. देखो मेरे को देखते हुए तो बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है ना. बिल्कुल ऑल चांसेस है कि उससे पहले मैं चैप्टर खत्म करके जाऊंगा सारा, उसके बाद आके खाली टेस्ट एंड डिस्कशन होगा. समझ गए? और तुम्हारा मैथ खत्म करके जाऊंगा सेकंड पार्ट पूरा. ठीक है, हाँ सर. नेक्स्ट क्लास कब होगी? संडे के बाद. संडे के बाद? सैटरडे? पागल हो क्या? ट्यूसडे हो सकती है, मंडे हो सकती है, छुट्टियाँ हैं ना इधर. तीनों दिन लगाऊंगा लगातार. चलो, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन. बोलिए समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दीबाजी मत कीजिए, मैं नहीं करता. नहीं ख़त्म होगा तो कल ख़त्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सवाल भी तो किए ना इतने सारे, वो भी ज़रूरी थे. उससे पता चला ना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है. ये अपने आप में बहुत बड़ा आत्मज्ञान है. मैं बहुत बेकार इंसान हूँ ये मैं खुद को तो बोल नहीं सकता, कोई बाहर वाला ही बोलेगा ना आके, है कि नहीं? तो हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए. हाँ, तो देखिए ये म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है ना, 4.2×10⁻⁷ होता है. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है ना, 8.854×10⁻¹. दोनों को पुट करेगा तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा. आज से पहले इसके बारे में क्या जानते थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यही स्पीड ऑफ ईएम वेव्स होता है. ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मिनट में नहीं ट्रेवल करेंगे. सब में ट्रेवल करेंगे, बाकी मिनट में स्पीड इसकी थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, अगर ये वाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाई एक्सिस का लॉन्ग हो जाए, लेकिन ई क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा सी की तरफ होगा. अगर प्रोपोगेशन वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो फिर वाई और जेड में होगा. आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो जैसे मान लीजिए, मैं बना दे रहा हूँ ना, मैं समझ गया, सवाल समझ गया तुम्हारा. अभी ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि सर अगर
मान लीजिए वेव का प्रोपोगेशन, अबे वेव का प्रोपोगेशन तो किधर भी हो सकता है, ईएम वेव है कहीं भी जा सकता है। तो अगर आपका वेव का प्रोपोगेशन मान लीजिए हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये है आपका सी, तो आपका ई क्रॉस भी ऐसा होना चाहिए जो कि सी के डायरेक्शन में आए, तो ऑब्वियसली फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो जेड की तरफ होगा और आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशन होगी वो एक्स की तरफ होगी, तब देखिए ऊपर की तरफ आएगा ये। अब इसमें चार ऑप्शन बनाए जा सकते हैं कि माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन अब देखिए चार ऑप्शन कितने बढ़िया बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, गलत हो जाएगा, ई क्रॉस बी करेगा तो नीचे आ जाएगा फिर से, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव जेड और पॉजिटिव एक्स हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए किधर बताइए, नेगेटिव एक्स की तरफ हो जाए और ये पॉजिटिव इधर हो जाए, मतलब किसी तरह से आपका जो एंगल आना चाहिए ई क्रॉस बी करने पे आपका डायरेक्शन सी की तरफ आना चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोपोगेशन किसी का किधर भी हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहाँ थे हम लोग, उसके बाद आइए डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव बता दिया आपको किधर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, लाइट वेव्स, अल्ट्रावायलेट, ये सब होते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ वेव का, देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव का एक और रिलेशन आपको मिला, ई का पीक वैल्यू बाई बी का पीक वैल्यू जो होगा वो सी की वैल्यू के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको आप ई आर एम एस बाई बी आर एम एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ई बाई बी भी लिख सकते हो। बोलो समझ में आया। तो वेलोसिटी के अब तक आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो आपने परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था और दूसरा आपने अब ई और बी के रूप में पढ़ लिया। अरे बोली समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट वेक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोली समझ में आया। अब आइए जरा मैं इसमें थोड़ा सा आपको और चीज़ें बता दूँ, ये बताइए सी इन वैक्यूम जो आपने पढ़ा है अभी वो कितना पढ़ा आपने, बिल्कुल सही बात है, और उसको उसकी वैल्यू आपने पढ़ी अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, बोले सही है। अगर मैं सी इन दूसरे मीडियम की बात करूं तो उसको हम खाली सी लिखेंगे और उसमें अंडर रूट ऑफ म्यू और एप्सिलॉन उस मीडियम का आ जाएगा, बोलिए आएगा नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं म्यू को म्यू नॉट इनटू उसका रिलेटिव, उस मीडियम की रिलेटिव परमिबिलिटी, और इसी तरह से क्या हम एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक। अरे भैया किसी भी मीडियम का म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करने से म्यू आर मिलता है, तो म्यू मीडियम को म्यू नॉट इनटू म्यू आर लिख सकते हैं ना, ऐसे ही एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो मिलता है एप्सिलॉन रिलेटिव, मिलता है ना। अरे बोलोगे तो मीडियम के एप्सिलॉन को लिख सकते हो ना एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया हमने और म्यू रिलेटिव इनटू एप्सिलॉन रिलेटिव को अलग कर लिया हमने, लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, इज इट सी नॉट, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज सी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको वैक्यूम में वेलोसिटी पता है तो आप किसी दूसरे मीडियम में निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी आपको पता हो। और एक और बहुत खास बात ये बताइए, लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम यानी सी नॉट बाय लाइट की वेलोसिटी इन जनरल मीडियम जो कि यहां से अंडर रूट म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर के बराबर आएगा, आएगा ना, क्या इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं, सी नॉट बाई सी को, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जनरल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसको मैं यहां एन से दिखला रहा हूं क्योंकि म्यू से मैं कुछ और दिखला चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो एक ये भी जरूरी रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब आइए हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह के फील्ड हैं, बोलिए हाँ कि ना, yes,
और हर दोनों जो फील्ड हैं उनकी अपनी अपनी एनर्जी डेंसिटी होती है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अगर आप लिखें तो होती है हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं आप? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? हाँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी? दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कल तुम्हारी क्लास तो खौफनाक तरीके से होगी। आई हैव ऑल सिंपैथीज विथ यू। आएगा टाइम टेबल देख लेना। यू विल बी पेंड टुमारो। आरपी सिंह की भी क्लास है, और थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत है। 10:30 से आप 10:30 से 5:30 होंगे यहाँ पे कल अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं थका नहीं और आपको जल्दी नहीं भेज दिया तो। हाँ आइए देखिए, तो इसका एनर्जी डेंसिटी कितना है बताइए? यू ई के बराबर है। यू ई पढ़ा है आपने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर। बताइए मैग्नेटिक एनर्जी का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, याद है किसी को? अब याद आया, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अगर नहीं याद है आई कांट हेल्प, आपको याद करना पड़ेगा। ये ईएमआई में पढ़ाया हुआ है ये, ठीक। दोनों फील्ड इक्वल पार्टिसिपेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दोनों का हक बराबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, हैं? सही है। तो एवरेज एनर्जी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एवरेज एनर्जी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं आपको बता दूं, यार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा फिर। जब भी आप एवरेज एनर्जी लिखिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख रही हैं एनर्जी डेंसिटी, तो आपको लिखना होगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर। एवरेज में हमेशा आर एम एस आएगा। क्या आएगा? अब आर एम एस में आर एम एस बार बार लिखा नहीं रहेगा, वो खाली ई लिखा रहेगा, ठीक। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? हाफ इंटू बी स्क्वायर बाई बी नॉट। ये ऑब्वियस है कि बी यहाँ क्या दिखा रहा है बताइए? बी आर एम एस है बेटा जी। ई का मतलब है ई आर एम एस है, और बी का मतलब है बी आर एम एस। और ई नॉट अगर कहीं लिखा रहे तो समझ लीजिए कि बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीक के बारे में। और बी नॉट अगर कहीं लिखा रहे तो समझ लीजिए बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आई होप इट इज क्लियर। एम आई क्लियर? नाउ बोथ आर इक्वल। इसी एवरेज वैल्यू को अगर पीक के टर्म्स में दिखाना हो तो याद रखिए आरएमएस वैल्यू को आप पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू लिख सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। पढ़ा है ना आपने? yes, एसी पढ़ा है ना? आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू बाई रूट टू होता है, करेक्ट। तो ये बताइए, ये एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है, क्या मैं इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अश्नूर ध्यान दो, 1/4 कैसे आ गया बताओ? आराम से सुनो, ठीक से सुनो और ध्यान से समझो। इज इट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर? अरे भैया E के जगह पे E नॉट बाई रूट टू लिखा और स्क्वायर कर दिया ना। अब ऐसे ही आप मैग्नेटिक एनर्जी का बताइए क्या लिख सकती हैं? अगर RMS के टर्म्स में लिखेंगी तो B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mu नॉट लिखेंगी। अरे बोलो। और अगर B नॉट के टर्म्स में लिखेंगी तो B नॉट स्क्वायर बाई 4 लिखेंगी। समझ में आ रहा है कुछ? अब बेटा ऐसा है कि जितना एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, ऐसा हमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेमोक्रेसी बताता है। मतलब ऐसा कुछ लॉ नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो अगर आपको नेट एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? ऑब्वियस सी बात है, जितनी एनर्जी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और जितनी एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करने से अच्छा किसी एक का स्क्वायर डबल कर दो। डबल भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों है तो बराबर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो हम इसका डबल कर दें, या हम, सही है, या फिर हम इसका डबल कर दें,
या फिर हम इसका डबल कर दे। बोलिए समझ में आ रहा है? सो इट इज़ आइदर ट्वाइस ऑफ यू एवरेज ऑफ ई और इट इज़ ट्वाइस ऑफ यू एवरेज ऑफ बी। होपफुली आई एम क्लियर। इतना ही ध्यान में रखना है, मैंने सबसे सटीक तरीके से इसको लिखा है, इधर मत पढ़िएगा, ठीक है? टॉपिक यहाँ से उठाइएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा साइड में। बोलिए क्लियर है? लेकिन अगर आपको स्पेशली पीक एनर्जी लिखने बोला कि यू का आप पीक वैल्यू लिख के दिखाइए, क्या बोलेगा आपको? यू ई का पीक वैल्यू लिख के दिखाइए। आपको बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए, आपको वहां पे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखनी है। अगर आपको यू बी का पीक वैल्यू लिखने बोले तो आप क्या लिखेंगे बताइए? सर सर बिल्कुल सही बात, यही लिखेंगे। एवरेज बोलेगा तो आरएमएस, हाँ आरएमएस वैल्यू को पीक के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको भी आरएमएस के टर्म्स में लिख सकते हैं जी। ई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए? रूट टू ई आरएमएस। ई नॉट जो होता है दैट इज रूट टू टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। बी नॉट जो होता है दैट इज रूट टू टाइम्स ऑफ, सही है? सो अगर ये रूट टू आ जाएगा तो यहाँ पे टू टू कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ये बी स्क्वायर बाई म्यू भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट बी। ये आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में हो गया, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला किसके टर्म्स में होगा ये ध्यान से पकड़ के चलिएगा, ठीक है? यही लास्ट पार्ट है और उसमें कुछ बचा नहीं है खास, समझ गए? और मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिए। हाँ, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बिलो। मैं आपको सिखा देता हूँ ये कैसे होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी कैरिड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एम आई राइट? एम आई राइट? सही है? अब मान लीजिए मैडम कि आपका जो वेव है वो किसी सोर्स से ओरिजिनेट कर रहा है। कैसे सोर्स से? पॉइंट सोर्स से, सही है? पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट करके थोड़ी दूर तक बढ़ेगा तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा? और थोड़ा आगे बनेगा तो स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर ये एक वॉल्यूम इनक्लोज कर लेगा। अब मान लीजिए आप कि अभी तक ये जितना आगे आ चुका है ये है डिस्टेंस r और फर्दर ये डिस्टेंस गया है dr आगे। आप समझ रही है मेरी बात? याद रखिए आपका ईएम वेव ऐसे निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इधर ही है ना? अरे है कि नहीं है? अब बताओ, एक काम करता हूँ, इसमें ऊपर और नीचे एरिया को मैं लिखता हूँ 4πr², हाँ या ना? अरे कितने एरिया में फैल गया बताइए? स्फेरिकल एरिया में फैलेगा ना? अगर ये वेव आगे बढ़ रहा है तो किस एरिया में फैलेगा बेटा? एरिया 4πr² होगा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने काम और किया है, मैंने इसको dr से मल्टीप्लाई किया है और dr से ही डिवाइड किया है, सही है? अब ये बताइए 4πr² एरिया को अगर हम थिकनेस ऑफ स्फीयर dr से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा dv आएगा कि नहीं आएगा? इट इज़ वॉल्यूम कंटेंड इन दिस रीजन। ये जो रीजन देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इसमें जितना वॉल्यूम होगा मीडियम का वो वॉल्यूम 4πr² × dr होगा। अरे बेटा इस एरिया को खोल के बिछा दो तो 4πr² एरिया दिख जाएगा और उसकी थिकनेस कितनी होगी? dr। देन व्हाट इज द वॉल्यूम? 4πr² × dr। तो ये पूरा का पूरा dv हो गया। एंड व्हाट इज dr/dt? ये ऊपर नहीं, dr/dt क्या है? dr/dt क्या है? r इज द फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ना इन dt टाइम। सो dr/dt इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट इज दिस dE/dv कॉल्ड? dE/dv का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बोलो। और c का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो क्या फॉर्मूला आपको मिला? इंटेंसिटी का वैल्यू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी के बराबर होता है। एवरेज इंटेंसिटी का मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो आप अभी निकाल रही थी थोड़ी देर पहले, उसको सी से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अब चाहे आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर में सी मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इसमें करिए। अरे हमने बोला था ना कि दोनों में से किसी का डबल कर दीजिएगा, दोनों सेम है तो किसी एक का वैल्यू लेके कर, मतलब इसको आप रटिए मत ना, आप सीधा सीधा एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालिए, उसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? ये वाला पार्ट इरेलेवेंट है, इसको चाहे तो लिखिए, नहीं मत लिखिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है? yes,
एवरेज एनर्जी डेंसिटी समझ में आ गई, ठीक। तो ये हमेशा यू एवरेज बाई सी के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक फोटोन मान लेते हैं, फोटोन क्या नाम सुना है आपने? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन? एच न्यू, ओके। व्हाट इज द नेट एनर्जी? अगर हम एन फोटोन मान ले तो एन एच न्यू। इस एनर्जी को हम यू से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? एक फोटोन की एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, अगर फोटोन का मास एम मान लिया जाए तो, डायनामिक मास ऑफ फोटोन। ये आप क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे आगे जाके। तो क्या मैं इसको एन एम सी स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे? हैं, अब बताओ एक इस पूरे एक फोटोन के पीछे के पास मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज मोमेंटम पर फोटोन? अगर एनर्जी इतना है एम सी स्क्वायर है, देन व्हाट इज मोमेंटम पर फोटोन? अरे बेटा मोमेंटम पर फोटोन मास इनटू वेलोसिटी होगी ना बच्चे? अरे मास इनटू वेलोसिटी होती है ना। अगर एम मान लिया जाए मास ऑफ फोटोन को, तो क्या मैं उसको एक फोटोन की एनर्जी बाई सी लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? उसी तरह से नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा अगर इसका यूज़ करेंगे तो बताइए, व्हाट इज़ द नेट मोमेंटम? तो भैया जो टोटल एनर्जी है उसको सी से डिवाइड कर दो। इतना मोमेंटम एक ग्रुप ऑफ फोटोन के पास होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? ये किससे डराइव किया, समझ में आया तुमको? पक्का? फोटोन के एनर्जी को एच न्यू भी लिख सकती हो, फोटोन की एनर्जी को एम सी स्क्वायर भी लिख सकती हो। एक फोटोन की एनर्जी को मैंने ई से दिखलाया है और बहुत सारे फोटोन की मिला के एनर्जी को मैंने यू से दिखलाया है। मामला क्लियर है? अब अगर ये फोटोन किसी सरफेस पे गिर के रिबाउंड कर जाता है, सोचिए एक बॉल एक वॉल पे टकराए और टकरा के रिबाउंड कर जाए, एक बॉल एक वॉल की तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? इधर आ रहा है और टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाए बिल्कुल इक्वल वेलोसिटी से, देन व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? टेल मी व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? सो इफ आई यूज वेक्टर फॉर सम मोमेंट, कैन आई राइट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? टेल मी, इज द फाइनल मोमेंटम एम इन टू यू? इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। लेट से कि थोड़ी देर के लिए मैं इधर ले लेता हूँ एक्स एक्सिस और इधर ले लेता हूँ वाई एक्सिस, इज इट प्लस आई कैप? What is initial momentum? Is it negative mu i cap? Yes, sir. So what is the total change in momentum? Is it 2 mu i cap? अभी मेरी बात समझ में आपको आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? हैं? तो जितना मोमेंटम उसका था उसका डबल हो जाएगा चेंज, अगर कब हुआ बताइए? अगर 100% रिफ्लेक्शन हुआ तो। कंप्लीट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंप्लीट रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। और मेरे गुनाह किया है, मैंने छोटा यू लिख दिया, कहीं आप इसको कुछ और ना समझ ले, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। सो लेट मी राइट इट वी, नहीं तो पता चले सर्वनाश हो जाए यहाँ पे, उसको एनर्जी डेंसिटी मान लिया जाए और कुछ का कुछ बन जाए फिजिक्स का, ठीक है? यहाँ कुछ भी हो सकता है, आज के युग में कुछ भी संभव है। अब बोलिए, क्लियर है? तो अगर कोई फोटोन गिरा या ग्रुप ऑफ फोटोन गिरे तो उनके पास मोमेंटम कितनी है? यू बाई सी। और कंप्लीटली रिफ्रैक्ट कर गए तो सरफेस को कितना मोमेंटम इंपार्ट करेंगे बताइए? 2u / c। और पूरी तरह से अगर एब्जॉर्ब हो गए तो तब फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाता, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम एग्जैक्ट जितना मोमेंटम था उसी के बराबर होता, ठीक है? तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे? अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए तो मोमेंटम u / c ही ट्रांसफर करेगा। अरे बेटा इनिशियल मोमेंटम u / c होगा और इस केस में फाइनल मोमेंटम होगा ही नहीं क्योंकि अब्सॉर्ब हो गया ना, तो तुम्हारा जो मोमेंटम चेंज आएगा जो ट्रांसफर करेगा वो यू बाई सी ही होगा, जबकि इस केस में डबल हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? टोटली रिफ्लेक्टेड के केस में 2 यू बाई सी होगा, ये समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज रेडिएंट फ्लक्स? रेडिएंट फ्लक्स छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है करने का, ठीक है? रेडिएंट फ्लक्स निपटा दीजिए, है ना? अब आ जाइए पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, हाँ जाइए, आइए आइए, मैं छोड़ ही रहा हूँ। देखिए जो रेडिएंट फ्लक्स होता है ना, ये होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं बात को? बोथ इन टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट। कोई भी जो
लाइट का सोर्स है ना, वो खाली लाइट एनर्जी नहीं देता है, साथ साथ हीट एनर्जी भी देता है, समझ रहे हैं? तो जितना वो टोटल एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको रेडिएंट फ्लक्स बोलते हैं, उसी का ही एक्सप्रेशन दिया हुआ। अगर कोई अच्छा ईएम वेव कौन पैदा करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पैदा करेगा। सोर्स ऑफ ईएम वेव कौन होता है बताइए? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कौन? ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज? एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है, तो कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पैदा करेगा, उसका ये एक्सप्रेशन है रेडियन फ्लक्स। हालांकि ये बोर्ड लेवल का नहीं है, ठीक है। तो रेडियन फ्लक्स की वैल्यू क्यू स्क्वायर, क्यू माने चार्ज, ए माने एक्सेलरेशन, सी माने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब आइए पॉइंटिंग वेक्टर, क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर? देखिए कुछ नहीं होता है, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बात करोगी तो इंटेंसिटी के बराबर होगा। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बस मोटा मोटा समझ लो, इंटेंसिटी के बराबर। तो इंटेंसिटी तुम निकालना जानती हो, इंटेंसिटी मतलब आई था ना, अरे यू एवरेज इंटू सी करके जो तुमने निकाला। और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर की तरफ होगा, यानी किसके अलोंग होगा? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन। अब बोलो मामला समझ में आया? तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया एक्सप्रेशन लिख दो इंटेंसिटी का, और यूनिट वेक्टर किसका लिखोगे बताओ? ई क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस, यही है पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के ही बराबर होगा, ठीक। रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी, रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी, रेडिएंट फ्लक्स का मतलब आपने पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट टाइम, पढ़ा था ना, ये एक तरह से पावर होता था, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। तो रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी में आ गया, अगर पूरा पूरा फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं बात को? इस टर्म की बात अगर आप करेंगे ब्लू वाले टर्म की, तो इसका मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब तो इंटेंसिटी हो गया, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब हम इंटेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं, यही चीज होती है, उसी का दूसरा नाम है ये, ठीक। उसके बाद ई और बी का इक्वेशन दे दिया, रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। अब आपको इधर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी की पढ़ चुके हैं, एवरेज वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर का है उसमें आपको रटना है, ठीक। कहाँ से रटना शुरू करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा होता है, उसको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो एक और जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको। मेन आपको रटना है ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इनके वेवलेंथ का रेंज, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ निकालने बोलेगा, और बोलेगा वो कि बताइए कि ये वेवलेंथ किसका है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ किस रेंज में होता है, समझ गए? फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, वेवलेंथ अलग अलग होगी, सी सबका सेम होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतना, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। याद रखिएगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एच न्यू, बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होता है। तो अगर हाई एनर्जी होगा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब लो वेवलेंथ होगा, क्योंकि भैया न्यू इंटू लैमडा जो होता है वो होता है सी के बराबर, और सी किसी का चेंज नहीं होता, सी सबका सेम होता है एक पर्टिकुलर मीडियम का, तो न्यू और इन्वर्सली लैमडा है। अब सोचना, जैसे मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, तो आयोनोस्फेयर तक जाएगा ना, सैटेलाइट तक जाएगा ना, हैं, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए रेडिएशन की? सारा एटमोस्फेयरिक डैम्पिंग झेल के जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई। तो विलन क्या होगा? कम। समझ रहे हो? ऐसे सोचना है, ठीक। फिर भी ये याद करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लर्न है, इसका आप कुछ नहीं करेंगे, रट्टा मारना है, इसी नोट से रट्टा मार लीजिए, कहीं और नोट से रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते आप। इनका यूज़ पढ़ना है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, मतलब इस पॉइंट से आपको शुरू कर देना है काम, पेज नंबर 131 से लेकर यहाँ तक पूरा रटना है, ठीक है।
ठीक है, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक आपको सारा रखना है, ठीक है। उसके बाद सबका यूज़ भी पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड एंटीना की, एंटीना की हाइट और ट्रांसमिशन का रेंज, समझ रही हो। ये कुछ नहीं है, अगर एक एंटीना लगा हुआ है ऐसे और इस एंटीना की हाइट एच है तो कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर पाएगा, सही है, कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर पाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। पहले ये चीज़ कम्युनिकेशन में होती थी लेकिन कम्युनिकेशन चैप्टर अब रहा नहीं, कम्युनिकेशन चैप्टर अब हट गया है। अरे भैया मेरे सुधर जाओ, सुधर गए। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये है ना, ये किस रेंज तक डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिशन कर पाएगा वो आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कितना बताइए, 2RH। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब आप यार सोचो ना, अर्थ का सरफेस ऑलमोस्ट तो फ्लैट ही होगा ना इतने छोटे एंटीना के लिए, तो आपको किसका एरिया निकालना है बताओ, इस सर्किल का निकालना होगा एरिया, हाँ है ना। और इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, लगभग डी इसका रेडियस हो जाएगा ना। अगर ये एंगल को हम बहुत कम माने तो कितना आएगा इसका एरिया बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई डी स्क्वायर हो गया, यानी 2πRH। अगर हम आप डी की वैल्यू यहाँ पुट करें, अब मान लीजिए पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं दिया हुआ, तो नंबर ऑफ व्यूअर्स निकाल सकते हैं ना, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी को। बस आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना है, इसका सारा एक्सरसाइज मैं अगले दिन आपको करवा दूंगा, तब मैं आपको अगला चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। आज मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा और वैसे भी टाइम बचा ही नहीं है अब तो, ठीक है। और एसी का भी काफ़ी पेंडिंग का मतलब बचा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर और ये सब का भी। यहाँ तक अच्छे से देख के आइएगा और नोट्स लिख के आइएगा इसका, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।